तो हेलो गाइस, मैसले मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 25 की शुरुआत में हम देखते हैं मैस डोमिना के पास पहुंच चुका होता है और वही डोमिना अपना मैजिक यूज करके मैस को गिराने की कोशिश करता है, पर मैस उससे बच जाता है और फिर वो ऊपर आ जाता है। हम देखते हैं कि डोमिना मैस को वही बॉक्स दिखाता है जिसके अंदर द वॉन्ड ऑफ बिगिनिंग्स होती है। तो डोमिना कहता है जो भी इस वॉन्ड को हासिल करेगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा और वही अगला डिवन विजनरी भी बनेगा, और अगर फादर को ये वॉन्ड मिल गई तो फादर इससे पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेंगे। तो वही मैस कहता है तुम्हारी बातों से लग रहा है कि अगर तुमने इसे हासिल किया तो तुम इससे बहुत ही बुरे काम करोगे, पर वही डोमिना को मैस को देख के उसका बचपन याद आता है। तुम अभी भी नहीं बदले हो, पता नहीं डैड तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं, और डैड तुम जैसे किसी मामूली को पसंद करते हैं। ये सुनके मेरा खून पूरा खौलने लगता है, और अगर डैड अपनी बॉडी को पूरा रिकवर कर लेंगे तो इसके बाद वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। पर वही मैस डोमिना की ये बात सुनके कहता है तुम बकबक करने से अच्छा लड़ाई कर सकते हो क्या। तो मैस की ये बात सुनके डोमिना को बहुत गुस्सा आता है जिसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है। हम देखते कि वहां पे बहुत ही सारा पानी आ जाता है। ये देखे फिन कहता है डोमिना इतने सारे वाटर को कंट्रोल कर सकता है, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैस तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर तभी हम देखते कि मैस उस वाटर के ऊपर तैरते हुए डोमिना के पास आ रहा होता है और अपने मुंह में कुछ पानी भर के डोमिना के ऊपर उसी से अटैक कर रहा होता है। मगर तभी डोमिना अपने सामने एक वाटर बैरियर क्रिएट करता है जिससे कि वो मैस के अटैक को रोक देता है। तो वही डोमिना कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम मेरे वाटर मैजिक को बीट नहीं कर सकते हो, और ये कहते ही वो मैस के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। हम देखते कि मैस उस पानी में डूब रहा होता है। तो वही डोमिना कहता है तुम फिक्र मत करो मैस, मैं तुम्हें इतने आसानी से मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। फिर तभी हम देखते कि मैस उस वाटर से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई तलवार से अटैक कर देता है, पर मैस उससे बच जाता है। हम देखते कि वो और कोई नहीं बल्कि अबायस होता है। तो ये देख के मैस कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। वही डोमिना बताता है ये मेरा डैड का मैजिक है, मैं इससे किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ, तो अब अबायस बस एक किलिंग मशीन है। जिसके बाद वो अबायस को मैस के साथ लड़ने का ऑर्डर देता है और अबायस बिना कुछ सोचे समझे मैस के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते कि मैस उन अटैक से बच रहा होता है। तो ये देख डोमिना कहता है तो दोस्तों में लड़ाई ये देखने में मुझे बहुत ही मजा आता है, एंड वही अबायस लगातार मैस के ऊपर अटैक कर रहा होता है, बट वही मैस सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है। पर तभी अबायस की तलवार मैस के चेहरे पर लगती है जिससे कि उसका चेहरा कट जाता है। फिर तभी अबायस अपनी तलवार को मैस के पेट में घुसा देता है जिससे कि मैस का बहुत ही ब्लड निकलने लगता है। लेकिन तभी हम देखते कि अबायस ने अपनी तलवार को अपने पैर में घुसाया होता है जिससे कि उसका बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है, और तभी हमें रियलाइज होता है कि अबायस को होश आ चुका होता है। वो डोमिना के मैजिक से बाहर आ चुका होता है क्योंकि मैस के साथ लड़ते हुए उसे मैस के साथ बिताए हुए पुराने पल याद आ रहे होते हैं जिससे कि उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। तो वही अबायस मैस से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ मैं इसे रोकूंगा, मगर तभी डोमिना अबायस के ऊपर अटैक करता है जिससे कि उसके छाती में एक होल हो जाता है। तो ये देख के मैस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वही डोमिना कहता है मैं सोच रहा था कि मैं इस गेम को थोड़ा और लंबा चलने दूं, लेकिन अभी मैं बहुत ही बोर हो रहा था जिस वजह से मैंने इसे मार दिया। पर एक बात है, इन जैसे कमजोर लोगों की यहाँ पे जगह नहीं है। मेरे फादर को जैसे ही वो वॉन्ड मिल जाएंगी वो इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, वो यहाँ पे किसी को भी आराम से जीने नहीं देंगे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबकी हालत बहुत ही बुरी होने वाली है। लेकिन तभी हम मैस को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में एक पत्थर को डोमिना के ओर फेंकता है। तो ये देख के डोमिना फिर से अपने सामने वो वाटर की शील्ड क्रिएट करता है, मगर इस बार वो शील्ड उस पत्थर से टूट जाती है और वो पत्थर डायरेक्ट जाके डोमिना को लगता है। मगर तभी हम देखते कि डोमिना ने उस पत्थर को अपने हाथों में पकड़ लिया होता है। तो अब वही मैस डोमिना से कहता है मुझे पता है तुम जो करना चाहते हो वो बहुत ही गलत है, लेकिन मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो अब हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं जहाँ पे डोमिना
मैस के ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं कि मैस एक बड़े से वाटर बॉल के अंदर कैद हो जाता है। वो तैरते हुए उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो वही फिन ये देख के कहता है, क्या ये तैरते हुए भी उसमें से बाहर नहीं आ सकता? लगता है मैस अब तक जिनसे भी लड़ा है डोमिना उन सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब वही डोमिना मैस से कहता है, तुम जिस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करोगे वाटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो तुम कुछ भी कर लो इसमें से बाहर नहीं आ पाओगे। पर वही मैस डोमिना को कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो ये देख के डोमिना को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो मैस पे अटैक करता है। थाउजेंड ऑफ आर्चर फिश। हम देखते कि बहुत सारी फिश मैस की ओर आ रही होती है और वो फिश बहुत ही खतरनाक होती है। मगर तभी हम देखते कि मैस अपने हाथों में प्रेशर इकट्ठा करके डोमिना के ऊपर अटैक करने लगता है और ये अटैक बहुत ही खतरनाक होता है। हम देखते कि एक वाटर बुलेट डोमिना को लगने वाली होती है, लेकिन वो उससे बच जाता है। पर तभी मैस वहाँ पे आके उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि डोमिना पीछे हट जाता है। फिर वही मैस डोमिना से कहता है, तुम तो मुझे इतने भी टफ नहीं लगे। मगर वही डोमिना कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो डैड मुझे पसंद नहीं करेंगे। फिर तभी वो अपने फेस से हाथ हटाता है। हम देखते हैं कि उसका चेहरा बहुत ही अलग दिख रहा होता है और उसकी पावर अचानक से बढ़ चुकी होती है और वही मैस ये देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर तभी वो अपना मैजिक यूज करता है, पोसाइडन गॉड ऑफ वाटर। हम देखते हैं कि उसके पास एक बहुत ही खतरनाक सी स्वॉर्ड आ जाती है एंड वही वो मैस से कहता है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने फादर के क्लोज नहीं आने दूंगा। और ये कहते ही वो वहां से गायब हो जाता है और एकदम से मैस के पीछे आ जाता है और वही उसके पास जो स्वॉर्ड होती है वो उस स्वॉर्ड को मैस के छाती के आर पार कर देता है। पर इसी बीच मैस भी डोमिना को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वहां पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर तभी हम इनोसेंट जीरो के महल को देखते हैं, जहाँ पे इनोसेंट जीरो की आँख खुल चुकी होती है। इनोसेंट जीरो कहता है, डोमिना ने अपने गॉड को समन किया है तो अभी उसे कोई भी नहीं रोक सकता, वो बहुत ही पावरफुल हो चुका है। मैस अभी तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम उसे नहीं हरा सकते हो। अब वही हम देखते कि डोमिना ने उस स्वॉर्ड को मैस के छाती के आर पार कर दिया होता है और मैस से कहता है, मैं अपने फादर का प्यार तुम्हें नहीं पाने दूंगा, उनका सारा प्यार बस मेरे लिए ही है। जैसे ही डोमिना अपनी तलवार बाहर निकालता है तो वो देखता है कि वो टूट चुकी होती है। फिर तभी जो उसका दूसरा भाग होता है वो एकदम से आके डोमिना के पैर के अंदर घुस जाता है। हम देखते कि मैस ने उस स्वॉर्ड के आधे हिस्से को तोड़ दिया होता है और वही फिर वो डोमिना से कहता है, अगर तुम मेरे से हार गए तो तुम अपने डैड को क्या कहोगे। तो ये सुन के डोमिना को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मैस से कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।